आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आपके इंडिया में एक बाइक कितने की है, पाकिस्तान में एक बाइक कितने की है, लेकिन की कीमत अगर इंडिया में हम बात करें कितने की है, पाकिस्तान में तकरीबन जो 70 है ना, 70 सीसी, वो भी हमें मिलती है ऑलमोस्ट 1.5 लाख के करीब। इंडिया में कोई उसे फ्री भी नहीं करता, मैंने वो बाइक देखी नहीं है की जो यहाँ पे डिलीवरी के तौर पे यूज हो रही है। इंडिया में अगर आप उसको सेकंड हैंड लोगे तो आपको 25 से 30 हजार में मिल जाएगी। ये तो क्वालिटी अच्छा ही अच्छी है और दुबई के रिलेशन भी अच्छे हैं इंडिया के साथ। आप तो यहाँ पे रह के जरूर सोचते होंगे कि यार अगर ट्रेड हो जाए, रिलेशन बेहतर हो जाए, यही बाइक मुझे लाकर उधर चले। और ये रेंज रोवर जा रही है, ये भी इंडियन है, गाड़ी इंडिया में मिलेगा। तो प्लेलैंड कंपनी है इंडिया की, उसके ट्रक भी है और स्कूलों में जितनी बस लगी हुई है। ये जैसे पाकिस्तान में 385 ट्रैक्टर है ना, और रशिया की जो AK-47 गन है ना, ये वो बाइक है। ये रोड की लिमिट को क्रॉस कर जाता है, पाकिस्तान इंडिया नहीं होएगा। पेशेंट वाले लोग हैं, किसी से लपड़ा नहीं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका वन डे इंडिया न्यूज में। आज हम लाए आपके लिए एक और रिएक्शन वीडियो, जिसके अंदर जो शोएब चौधरी है, जो कि एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, वो UAE गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने इंडियन बाइक और पाकिस्तानी जो बाइक है उनका कंपेयर किया और वहाँ पर जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं उनसे उनकी राय भी जानी। तो चलिए देखते हैं पूरी मजेदार वीडियो, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। 150 की जाती है स्पीड से, ठीक है। और ये आप कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान, पंजाब से। अच्छा, ये मेरे भाई पाकिस्तान से है और बाइक चला रहे हैं इंडिया की। अच्छा, क्या फील होता है इस टाइम? एक तो ये वैसे तो यहाँ पे आके ये मैंने 10 दिन से नोट कर लिया है कि यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, इधर सब भाइयों की तरह रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं। लेकिन क्या फील होता है, क्या समझते हैं? आपने जो बाइक चला रहे हैं ये भी इंडिया की, ये जो सामने खड़ी है ये भी इंडिया की, मोस्टली बाइक यहाँ पे इंडिया की है, सब इंडिया की है, टोटल सभी। हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान में 70 कितने की मिलती है, जरा इन्हें बताइए। वो तो अभी मेरे तक 2 लाख पड़ गई है। 2 लाख के करीब चली गई है, मुझे 1.5 का राउंड बोल के आ रहा है। मैं 2 साल हो गए इधर ही हूँ, अभी तो 2 लाख जो भी बोलता कहता 2 लाख फ्री में ले लेता है। क्या इंडिया में कोई उसे फ्री भी नहीं करता? इंसल्ट ना करे हमारे भाई की। अब से 24 साल पहले इंडिया में वो बाइक बंद हो चुकी है, वो मिलती नहीं है। और जो आपके यहाँ मेहरान मिलती है ना, ऐसे हमारे यहाँ मारुति 800 थी, ठीक है, वो 2006 में बंद हो गई थी, उसके बाद वो गाड़ी कोई आती नहीं है। इंडिया में अगर आप उसको सेकंड हैंड लोगे तो आपको 25 से 30 हजार में मिल जाएगी गाड़ी, मिल जाएगी 25 से 30 हजार में आपको इजली गाड़ी मिलेगी। 30 हजार में कार मिल जाती है। ये क्या कह रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, 25-30 हजार की गाड़ी कह रहे हैं। हमारे उधर 25-30 आया ना कभी, आपको पता चल जाएगा। 25-30 हजार की इन्होंने बोला है कि सेकंड हैंड कोई गाड़ी मिल जाएगी आल्टो टाइप। मैं कहता हूँ 25-30 हजार 2-4-5 दिन का रेंट होता है एक नॉर्मल गाड़ी का पाकिस्तान में, बिल्कुल। इतना फर्क आप क्या सोचते हैं, यहाँ पे आके इन भाइयों से पूछते नहीं है कि यार आपके वहाँ पे इतना सस्ता कैसे है? मैं सोचता हूँ, मैंने जिक्सर थी मेरे पास पहले, वो मैं देखता हूँ जो हमारे पास ये हमारे इंडिया में, इंडिया में हमारे पाकिस्तान तो है ही नहीं इस तरह की। अच्छा, देखी नहीं। अच्छा, हमने ये बात आज बताना, इस तरह की बाइक पाकिस्तान के रोड पे चल रही होती है तो लोग क्या कहते हैं, हैवी बाइक, हैवी बाइक जा रही है। तो इधर ये पीजे के सर, मैं मुझे खुद ही, मैंने जब आया ना, मुझे जिक्सर मिली है, मैंने तो पहले इसको देखा गौर से, मैंने कहा ये मैंने चलानी है, बोले वो हमने उधर पाकिस्तान में वो 70 चला चला कर ऐसे ही 70 या ज्यादा से ज्यादा जो अच्छा होता है, मतलब ये की भाई मेरे पास अच्छी बाइक है, उसके पास 1-5 बस इसके ऊपर नहीं। और आपके वहाँ पे 1-5 मेरे ख्याल से स्टार्ट होती है, या मतलब के जो बिल्कुल नॉर्मल। मैंने आपसे, मैं झूठ बोलूं, मैंने वो बाइक देखी नहीं, मेरी 24 एज है, 24 और इंडिया में वो बाइक मैंने नहीं देखी वो बाइक। ये वाली कौन, ये कौन सी है, ये किधर की है? इंडिया की, ये भी इंडिया की है। जी जी, ये भी मैन्युफैक्चरिंग। क्या बात है, क्या बात है। ये बाइक वहाँ पे होती तो, मतलब जिसके पास ये बाइक वहाँ पे हो तो पाकिस्तान में उसे समझा जाता है कि भाई लड़का तो फुल सेट है, सेट है। तो आपके वहाँ पे ये बाइक कैसे नॉर्मल चल रही है? नॉर्मल है ये, हर किसी आदमी पे है, जो मतलब जो जो मजदूरी कर रहा है ना, जो रक्षा चला रहा है, वो उसके पास भी ये बाइक है, ठीक है। इसकी क्या कीमत है इंडिया में, इसकी क्या कीमत है ऑलमोस्ट? इसकी ऑलमोस्ट 1 लाख समथिंग है, लाइक 95,000-98,000 इतनी है, ठीक है, मतलब 1 लाख के राउंड अबाउट है। ये कौन सी है? अच्छा, आप पाकिस्तान से, लगता है मुझे आपको बाइक्स का शौक है। वो शौक इधर आकर दिखाइएगा सर। ये कौन सी है? पल्सर। ये भी पल्सर है, वो होंडा है। मोस्टली बाइक्स यहाँ पे जो है हमें मेड इन इंडिया जो है वो मिल रही है। कहाँ से है? मैं इंडिया से हूँ। इंडिया कौन से एरिया, सिटी से? ओडिशा। ओडिशा से है, ठीक हो गया। मुझे बताएं, मोस्टली बाइक आपकी यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे जो नजर आ रही है वो इंडिया की नजर आ रही है? ये पूरा इंडिया का है। क्या वजह है इसकी? इंडिया का, इंडिया यहाँ से, इंडिया का जो, हाँ ये तो क्वालिटी अच्छा ही अच्छी है और दुबई के रिलेशन भी अच्छे है इंडिया के साथ। ये देखें बड़ी टेक्निकल बात की है इन्होंने। अगर हमारे पाकिस्तान के और इंडिया के रिलेशन बेहतर हो तो ये बाइक तो हमारे वहाँ पे भी फिर मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी, बहुत इजी हो जाएगा। अभी
पाकिस्तान में सामान जाता है लेकिन वाया दुबई जाता है, ऐसा ही है। इंडिया से पहले दुबई आएगा, दुबई से डबल टैक्स लग के फिर पाकिस्तान जाएगा। लेकिन पाकिस्तानियों को यह बताया जाएगा इंडिया से ट्रेड बंद है, इंडिया से हम कोई चीज नहीं ले रहे, जबकि मेडिसन इंडिया से दुबई, दुबई से फिर पाकिस्तान। इवन सब्जियों के बारे में मैंने सुना है कि भाई पहले इधर आती हैं फिर वहां जाती हैं। ऐसे पाकिस्तानी क्या कहते हैं, रिलेशन बेहतर होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होने चाहिए सर। आप तो यहां पे रह के जरूर सोचते होंगे कि यार अगर ट्रेड हो जाए, रिलेशन बेहतर हो जाए, यही बाइक मुझे लाकर उधर चले, बिल्कुल सस्ती। उधर क्या कीमत अभी चल रही है, अभी तो पेट्रोल हमारा बहुत महंगा हो रहा है। यही रॉयल एनफील्ड की जो आपने बोला 13,000 दिरहम की यहाँ पे है, इंडिया में कितने की है? ये इंडिया में 2,00,000 के आसपास की है, 2,20,000 के आसपास की है। अच्छा, जो लोग इंडिया से, मोस्टली लोग इंडिया से देख रहे हैं, ये जरूर बताइएगा जो कीमतें भाई ने बताई है खासतौर पर रॉयल एनफील्ड की, इन्होंने अंदाजन बताई है, और इवन मेरे साथ पाकिस्तानी भाई मौजूद है, उन्होंने भी जो कीमतें बताई है, क्या वेरिएशन थोड़ा सा बताइएगा, एग्जैक्ट क्या कीमत है रॉयल एनफील्ड की, होंडा की, या यहाँ पे जितनी भी बाइक्स मौजूद हैं? गर्व से सीना चौड़ा होता है, ये चीज है। और ये रेंज रोवर जा रही है, ये भी इंडियन है भाई, इंडियन है। जैगुआर, रेंज रोवर वो भी इंडियन है, जैगुआर भी इंडियन है। इधर बहुत गाड़ियां हैं जो मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चर है, सारा गाड़ी इंडियन में मिलेगा, जितना भी अशोक लैंड का, जितना भी बॉस इधर चलता है ना, सारा अशोक लैंड का, सारा कंपनी उसका इधर ही, मतलब ट्रक भी सारे अशोक लैंड कंपनी है इंडिया की, उसके ट्रक भी हैं, और स्कूलों में जितनी बस लगी हुई है यहाँ वो सब इंडियन है। हमें तो इतने मालूम भी नहीं है, इतने इंडिया के प्रोडक्ट, वो रे पाकिस्तान से भी है। भाईजान इधर आए ना अभी, आपका नाम क्या है भाई? नाम मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल, और यहाँ पे कैसे मिल के रह रहे हैं मोहब्बत के साथ? बस भाई ये एक वर्ल्ड वाइड कंट्री है, इसमें रहना पड़ता है। ये नहीं रहना पड़ता है, रहना चाहिए, रहना भी चाहिए और रहना भी पड़ता है, क्योंकि इन लोगों ने इनके कानून जो है वो सहा था दुबई के। बाइक कौन सी चला रहे हैं? राइडर मेहनत करने आए। हाँ जी, इंडिया की, मेड इन इंडिया। क्या नाम है बाइक का? पल्सर है। पल्सर है, पाकिस्तानी भाई है, मेड इन इंडिया चला रहे हैं, और यहाँ पे आके हम चला सकते हैं, तो अपने पाकिस्तान में क्यों नहीं चला सकते? क्यों नहीं भाई, लेकिन पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज नहीं है, वो सहूलतें, ट्रेड नहीं है, हमने वहाँ से बाइक लेनी नहीं है। अगर यहाँ समंदर पार करके बाइक आ सकती है, तो हमारे बॉर्डर पार करके बाइक नहीं आ सकती। अभी आप मुझे एक बात बता रहे थे इस बाइक के बारे में, ये बाइक कौन सी है, इस क्या आप कह रहे थे ये पाकिस्तान से भाई है? जरा इनकी इधर बहुत सी बाइकें खड़ी हैं, बैनली है, पल्सर है, और भी नए निकले हैं। ठीक है, ये जैसे पाकिस्तान में 385 ट्रैक्टर है ना, ट्रैक्टर है सेम वो समझ ले, और रशिया की जो AK-47 गन है ना, जिसको हम पाकिस्तान में क्लैशन को बोलते हैं, ये वो बाइक है। अच्छा, वो क्यों, मतलब मुझे समझ नहीं आई, ट्रैक्टर का और बाइक का क्या मुकाबला सर? इसको कहीं भी फेंक देना, ये उधर से निकल जाएगा, और इसके इंजन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई टेंशन। गन भी आपने जैसे बताई है कि वो, यहाँ जैसे AK-47 चलती है ना, और पानी से फेंक के उसको दोबारा चलाओ फिर चल जाती है, ये बाइक वो है। मेरा मैक्सिमम स्पीड कितनी है सर? ये अगर इसको पेट्रोल ज्यादा दिया जाए ना, नीचे इंजन से खोला जाए, तो ये 200 से भी प्लस चला जाता है। नॉर्मल स्पीड जो है 140-135, यानी ये एवरेज देता है। इधर तो मेरे ख्याल से स्पीड लिमिट भी होती है ना रोड पे, आप इसे जितनी, यानी कि रोड की लिमिट है ना, ये रोड की लिमिट को क्रॉस कर जाता है। ये भाई ये पाकिस्तानी, और अगर ये पाकिस्तान में होते तो डेफिनेटली ये बात ना करते, ये बात इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने आगे ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे बात वर्ल्ड वाइड की होगी, पाकिस्तान इंडिया नहीं होगा, ये चीज है। आप अगर दुबई में किसी ऑफिस में चले जाते हो ना, तो 35% जो ना लाइक पाकिस्तानी आपको 2-4 मिलेंगे, 75% इंडिया। उसकी वजह क्या है ऑफिस में ज्यादा? वजह ये है सर, ये पेशेंट वाले लोग हैं, किसी से लपड़ा नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं साथ में, यानी कि भी पेशेंट है। और तो आप लड़ाई करते हैं, यानी हम, मैं पाकिस्तानी, पाकिस्तानी थोड़े जाना गर्म माइंड के लोग हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर देखें, जब तक हमें ये नहीं बताया जाएगा, एजुकेशन नहीं दी जाएगी। एजुकेशन नहीं है मेन प्रॉब्लम, जो है इनको एजुकेशन दी गई है, और इनको ऑफिस में 75% कंट्रोल दुबई का, इंडिया का यानी इंडिया का दुबई में। और जो है ना पाकिस्तानी थोड़े थोड़े मिलते हैं इंडिया में, सबसे ज्यादा लोग इधर इंडियन है, और इन्होंने अपने मुल्क को इंपोर्ट किया, यानी दुनिया के सामने जो है अच्छा इमेज रखा, अच्छा इमेज रखा, और दुनिया में अप्रूव किया अपने मुल्क। और एक चीज मैंने यहाँ पे नोट किया, इंडियन कम्युनिटी आपस में एक दूसरे को हेल्प करती यहाँ पे नजर आती है, मतलब लाइक कोई नया लड़का आया उसको हेल्प करेंगे, हमारे यहाँ पे क्या उस तरीके से होता है? खासतौर पर केरला के लोगों के बारे में मैंने सुना की भाई वो अगर कोई नया लड़का आएगा तो उसे कहेंगे आ जाओ भाई तुम्हें भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाते हैं। इंडिया पाकिस्तान हमारी कंट्री में, अगर आगे वर्ल्ड वाइड पे आप आके देखते हैं तो ये बहुत अच्छे लोग हैं, पाकिस्तानियों की भी हेल्प कर देते हैं, पाकिस्तानियों की भी हेल्प कर देते हैं, ये समझ लो कि पाकिस्तानियों से 2-4 कदम आगे चलते हैं। क्या ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा। ठीक है, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। आप ट्रेनों के हालात दिखा रहे थे पाकिस्तान में, ऐसी लाहौर से वो बनाई थी कंपैरिजन कर रहे थे, कितने का टिकट है, कैसी सीटें हैं, ऐसी ट्रेनें बहुत साल पहले रिजेक्ट हो चुकी है इंडिया में, और मालगाड़ी में भी ऐसी ट्रेनें नहीं चलती जैसी ट्रेनें अभी पाकिस्तान में चलती।
तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, हमारी जो बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर हैं। और ऐसा ही हुआ जब एक पाकिस्तानी यूट्यूबर यूएई घूमने के लिए जाते हैं और उन्हें हर जगह हमारी इंडियन बाइक्स ही नज़र आती है, तो वह भी जब पूछने लगते हैं उन बाइक ओनर से तो बताते हैं कि इंडियन बाइक्स बहुत ही बेहतरीन और पावरफुल बाइक्स हैं और यह पाकिस्तान में जो चलने वाली चाइनीज बाइक उनकी तरह नहीं है, इनका माइलेज और पावर उनसे बहुत बेहतर है। एक ने तो इसको AK-47 जो बंदूक है उससे भी कंपेयर कर दिया और पाकिस्तानियों को ये बाइक चलाने में बहुत मज़ा आता है। साथ ही में उन्होंने बताया कि हम जो अपना पूरा रोजगार जो डिलीवरी करते हैं वो इन्हीं बाइकों के ऊपर करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है जो ये बाइकें हैं ये हमारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होती है और इनको फिर बाद में बाहर इम्पोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों बताइए अपनी पूरी राय, आपको कैसी लगी ये बाइकें। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है शोएब चौधरी, उन्होंने बताया कि कैसे जो दुबई के अंदर जितनी भी बाइक्स घूम रही है वो सारी की सारी इंडियन बाइक्स कंपनी है और इंडियन बाइक कंपनी की खासियत भी बताई कि कैसे उसकी माइलेज और उसकी जो पावर है वो पाकिस्तानी बाइकों से बहुत बेहतर है। वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी लोग जो वर्कर काम कर रहे थे वो हमारी इंडियन बाइक्स यूज कर रहे हैं, जैसे पल्सर, TVS की अपाची या फिर जिक्सर, जो कि इंडियन मैन्युफैक्चर होकर UAE जाती है। शोएब चौधरी ने बताया कि कैसे जो पाकिस्तानी अगर इंडियन और पाकिस्तान की बॉर्डर अगर खुल जाएगी तो जो ये बाइक है ये हम भी यूज कर पाएंगे और हमें उनकी घटिया बाइक है जो China 70 नाम से चाइना उनको इंपोर्ट करता है, जिसके अंदर ना तो पावर है और ना माइलेज, वो उनको चलानी पड़ रही है, वो नहीं चलानी पड़ेगी। वहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानियों उससे भी बात करते हुए उन्होंने बताया कि जो इंडियंस है वो बहुत ही शांत और बिना लड़ाई झगड़े वाले होते हैं और जो पाकिस्तान के अंदर जो उनके प्रति जो दिखाते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। एक पाकिस्तानी के मुंह से तो गलती से निकल भी गया कि हम ही खुद ही लड़ाई करने वाले होते हैं। और भी पाकिस्तानियों से जब राय ली तो उन्होंने बताया कि कैसे जो इनकी बाइक है उनकी टॉप स्पीड 150 से भी ज़्यादा है, जो दुबई के अंदर जो रोड लिमिट है उससे बहुत ज़्यादा है और अगर इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी जाए तो ये 200 भी जा सकती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं आपको किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। और आप कौन सी बाइक यूज करते हैं यह भी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और आपको कौन सी बाइक खरीदनी है या फिर आपका ड्रीम है उस बाइक को चलाना ये भी हमें बताएं।